जिसे कभी लक्ष्यहीन जीवन पसंद ना आया, वो आजाद जो 15 साल की उम्र से आजादी का मतलब जानता था, वो आजाद सहते जाना जिसको कभी गंवारा ना था, वो आजाद जिसके लिए रिश्तेदार उसके साथ ही क्रांतिकारी थे और जिसके लिए खुद की माँ से पहले भारत माँ थी, वो आजाद जिसने कसम ली थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ ना आएगा, वो आजाद और जो मरते दम तक आजाद रहा, वो आजाद। चंद्रशेखर आजाद, वो महान क्रांतिकारी जिनका आजादी की लड़ाई में योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने केवल एक गलती की कि अपने सभी साथियों पर आंख मूंद कर भरोसा किया और आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 की सुबह जब वो एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनके साथी क्रांतिकारियों की सुरक्षा का प्रबंध कैसे किया जाए, तो उन्हीं के एक साथी वीरभद्र तिवारी ने उनकी सूचना पुलिस में दे दी। पुलिस ने चारों ओर से पार्क को घेर लिया। अपने साथी सुखदेव राज को बचाते आजाद खुद घायल हो गए। सुखदेव तो बचकर निकल गए पर आजाद वहीं फंस कर रह गए। जब उन्होंने देखा कि फरार होना नामुमकिन है तो उन्होंने खुद को गोली मार आत्महत्या की। ये गोली उन्होंने ऐसे ही किसी मौके के लिए रखी थी क्योंकि अंग्रेजों के हाथों मरना उन्हें गंवारा ना था। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर द फैक्ट न्यूज उनको याद करता है और उनको प्रणाम करता है और सब देशवासियों को नसीहत देता है कि उनकी दिखाई राह पर चला जाए। जय हिंद।